अब क्वेश्चन नंबर थ्री, इस प्रश्न को सही ढंग से आपने समझना है क्योंकि इसी में सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई एच रेखा के समान दी है, यानी कि ऊंचाई दी हुई है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं दिया है। उसने बोला है एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई सिर्फ एच रेखा के समान दी हुई है और कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सबसे पहले डॉटेड लाइन लगाते हैं, डॉटेड रेखा लेंगे हम x, उसका नाम हम एक्स वाई रखेंगे, जो डॉटेड रेखा लेंगे हम छोटे छोटे डॉट, उसका नाम हम एक्स वाई रखेंगे उस रेखा का। ये हमारी एक्स वाई रेखा हो गई है, इसका नाम x लिखेंगे, इसका नाम y लिखेंगे, ये हमारी एक्स वाई आ गई। और ऊंचाई दी हुई है तो ऊंचाई भी ले लेंगे, ऊंचाई हम कम लेंगे, ठीक है, और साइड में लेंगे। हमेशा जो भी दी हुई चीज़ है, रेखा हो या ऊंचाई हो, वो हम साइड में ही लेंगे। ये हमारे पास h दिया हुआ है, ऊंचाई हमारे पास h दी हुई है। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन है, उसने बोला है हाइट दी हुई, तो हाइट का मतलब वो बीच से लंबी होगी, यानी कि हमने त्रिभुज बनानी है। तो हम पॉइंट लेंगे सेंटर में अपनी मर्जी से, सेंटर जैसे में, उसका नाम P रखेंगे हम, जो पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। P पर हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, बनाना शुरू कर दो हमारे साथ। जैसा जैसा हम करते जाते हैं वैसा वैसा आप लोग भी करते जाएंगे। ये आ गया हमारे पास एक अर्धवृत्त, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम L, इसका नाम M। अब वही प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गया, L और M, एक एक कट L से भी, एक कट M से भी, और पॉइंट कट नहीं हुआ था तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लगाएंगे। अब देखो ये एल एम एन ओ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब उसी के बराबर ध्यान रखना, इसी के बराबर जो है हम ऊपर भी एक एक कट लगाएंगे ताकि वे आपस में कट जाए, ओ और एन से एक एक कट, ठीक है। ये हमारा प्रश्न तैयार हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉटेड इस पॉइंट को इसके साथ डॉटेड और आगे बढ़ने देंगे, हम जाने देंगे इसका आगे, ठीक है, जितना लंबा होगा उतना अच्छा रहेगा हाइट काटने के लिए, ठीक है। हाइट के मुताबिक इसको बढ़ाना है जितनी हमने एच ली हुई है, ठीक है, ये ले ली हमने। अब एच हमने यहाँ से काटना है। अब हमारे पास काम बचा है हाइट काटने का, क्या करेंगे हम, H ले लो अपनी कंपास में, ले लिया, और उसको P पर रखो और एक कट लगा दो ऊपर, इसका नाम आएगा C। अब हमारा यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, अपनी जो शीट इसका हम उल्टा करेंगे और अपनी मर्जी से हम कंपास खोलेंगे और एक इस तरफ से सी से उल्टी चाप लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, मेरे साथ करते जाइए। इस तरह से हम जो है उल्टी चाप लगाना शुरू कर देंगे। ये हो गया हमारे पास, अब सीधा करो इसको। अब दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम हम अपनी मर्जी से दे देंगे कुछ भी, सेंटर वाला जो पॉइंट आता है इसका नाम पी क्यू आर देते हैं इसका नाम आर। अब हमारी कंपास उतनी ही है, ध्यान रखना हमारी कंपास उतनी ही है, एक एक कट यहाँ से, एक कट इधर और एक कट दूसरी तरफ, ये 60 डिग्री के एंगल हो गए, हमने यहाँ 30 डिग्री के एंगल बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कट यहाँ से आगे भी बढ़ाएंगे इसको ऐसे, इस पॉइंट का नाम भी देते हैं हम आर था इसका नाम, इसका नाम S हो गया, इसका नाम T हो गया, ठीक है।
अब यहीं से हम इसको इसी के बराबर ध्यान रखना, इसी के बराबर हम जो है इसको काटेंगे। एक चाप और यहाँ पे लगाओ, ये हमारे पास हो गई है। और दूसरी तरफ भी हम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे हम, ऐसे, और यहाँ से भी एक चाप हम लगाएंगे जो कि इसको काटे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कट। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे और आगे जाने देंगे, देखेंगे कहाँ पे मिलता है। ये हमारी डार्क लाइन आएगी क्योंकि यहाँ से आंसर शुरू हो गया है। ठीक है, ये डार्क लाइन आई इस रेखा तक, सिर्फ एक्स वाई रेखा तक। ठीक है, और दूसरी तरफ भी वैसी ही लाइन हम खींचेंगे जो कि एक्स वाई रेखा को छूएगी नीचे जाके। ये भी यहाँ पे एक्स वाई रेखा को छू रही है। अब ध्यान दो, जहाँ भी ये छूती है इस पॉइंट का नाम हम ए राइट करेंगे और इस पॉइंट का नाम बी राइट करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ए बी को भी हम पक्का मिलाएंगे क्योंकि ये हमारा आंसर होगा। ये हम ए बी को भी पक्का मिलाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे डॉट ही दिखाई ना दे, डॉट के ऊपर से जानी चाहिए लाइन पक्की, ये डार्क होगी। अब देख सकते हैं आप, ये हमारी त्रिभुज तैयार होगी, समबाहु त्रिभुज बोला था तो समबाहु त्रिभुज तैयार है। ओके।